या कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर उस मंथन को रोककर दुग्ध पिलाने लगी। देखिए आज एकादशी तिथि है, बड़ी पावन तिथि। इस एकादशी तिथि में भगवान की ये ब्रज की दाम बंदन लीला श्रवण करने का फल क्या है जानते हैं? इसका फल साक्षात भगवान के चरणों में भक्ति और गोलोक धाम की प्राप्ति है। ये छोटा मोटा फल नहीं है, ये बड़ा है। इसलिए सभी भक्त बड़े श्रद्धा से ध्यान से इस बात को समझें, कैसा यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम। कन्हैया उस दुग्ध को पान कर रहे हैं और मैया ने उसी समय सामने एक दृश्य को देखा, एक चूल्हे पर दूध रखा था और वो दूध उफन रहा है। ब्रज में जितने भी प्रकार की वस्तु हैं सबके अंदर चेतना है, सबके अंदर भाव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वहाँ पर कोई जड़ पदार्थ नहीं है। एक पत्थर के अंदर भी भावना है, क्या भावना? कि कभी गोपियाँ आकर हमारे ऊपर अपने चरणों को रगड़ेंगी, अपने चरणों को साफ करेंगी तो उनकी धूल भी हमारे मस्तक पर आ जाएगी। ब्रह्मा जी ने तो एक पत्थर की आकांक्षा की बनने की कि तद भूरि भाग्यम इहा जन्म किम अपि अट्यम यद गोकुल अपे कतो आंग्री रजो विषेकम। एक पत्थर बनने की इच्छा की। इसलिए ब्रज का समस्त पदार्थ, सभी प्रकार की वस्तु, वे सब में भावना है, कोई जड़ नहीं है। वो जो दूध चूल्हे पे उफन रहा है उस दूध के अंदर भी एक भावना है, वो साधारण दूध नहीं। और उसकी भावना क्या? उसकी भावना ये कि धन्य है यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम और मैं भगवान की सेवा में लग नहीं पाया, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं इस प्राणों को धारण क्यों करूं? जो प्राण, जो शरीर भगवान की सेवा में नहीं लग पाया, धिक्तान धिक्तान, उस जीवन को व्यर्थ है, धिक्कार है ऐसे जीवन को। इसलिए वो दुग्ध जो दूध चूल्हे पे उफन रहा है, ऐसी भावना रखकर उसके मन में विचार आ रहा है कि मैं अपने प्राणों को अग्नि में प्रवेश करके स्वाहा कर दूं। ऐसा जीवन किस काम का, जहाँ पर खाओ पियो आहार निद्रा भय मैथुन, बस चार वस्तु में ही जीवन निकल गए, ये तो पशु जैसा जीवन है। खाना पीना, सोना, संतान उत्पत्ति करना और आगे आने वाले अपने भविष्य के लिए चिंता करना, सब समय भयभीत रहना, बस यही तो दिन रात हो रहा है और ऐसे ही तो सारा जीवन निकल रहा है। रोज ही तो एक ही क्रिया होती है, तो ऐसा जीवन किस काम का? ये तो एक पशु भी जी लेता है, जिसमें विवेक नहीं, जिसमें चेतना नहीं। हाँ, भाव जरूर है, वो विवेक और चेतना, कोई मुकुलित चेतन, कोई संकुचित चेतन, ढकी हुई है, ये तो पशुओं जैसा। और हमारी चेतना तो विकसित चेतना है, हर बात को हम जानते हैं, समझते हैं, परंतु इन इंद्रियों से यदि भगवान की सेवा की जाए तो इसमें हानि क्या है? अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन, अपने कानों से भगवान की कथा, अपनी जीवा से भगवान का नाम, अपने हाथों से भगवान की सेवा, चरणों से भगवान की परिक्रमा, धाम जाके दर्शन, हर इंद्रियों से तो भगवान की सेवा की जा सकती है। और कितना आसान सरल उपाय, यही भक्ति है। सदरल भक्ति का मतलब ही जो सरल सीधा उपाय भगवान की प्राप्ति का, यही भागवत धर्म है। यह वे भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्धे, जिस धर्म को स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा वही भागवत धर्म है। इसलिए सवे पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति रघोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहिता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सभी प्राणियों का एक ही परम धर्म है जिसमें सबका अधिकार है। मैं जैसे अभी पहले बतला रहा था, हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, इस अधिकार को कोई समाप्त नहीं कर सकता, यही कारण है।
इसलिए कृष्ण वो दूध ये मन में यही विचार कर रहे हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है, मैं कृष्ण की सेवा में लग नहीं पाया। वो दूध उफन कर जो अग्नि में गिरना चाह रहे हैं। यशोदा मैया ने दृश्य को देख लिया और मैया रह नहीं पा रही, क्यों? उसी समय कन्हैया को उठाकर जमीन पर पटक दिया। देखिए मैया के अंदर कौन सा बल है, 10,000 हाथियों की बल वाली पूतना कृष्ण को अपने वक्षस्थल से अपनी छाती से हटाने का पूर्ण प्रयास कर रही है लेकिन हटा नहीं पा रही। 10,000 हाथियों का बल वो हटा नहीं पा रही और मैया तो तुरंत कन्हैया को उठाकर नीचे पटक दिया। अब मैया के पास कौन सी हाथियों का बल है, मैया के पास वात्सल्य प्रेम का बल है। वो वात्सल्य प्रेम जगत के सारे बल को भी न्यून कर देता है, छोटा बना देता है, भगवान के बल को भी छोटा बना देता है। इतना वात्सल्य प्रेम में बलवान है, इतना उसमें बल है। ये ब्रज की लीला है, ये प्रेम लीला है। शुद्ध निर्मल स्वच्छ स्वार्थहीन ये ब्रज का प्रेम। जहां पर मन में मैया के ये भी विचार नहीं आ रहा कि मैं कन्हैया को नीचे पटक रही हूं, कहीं ये रुष्ट ना हो जाए, कहीं ये क्रोध में ना आ जाए, ये विचार नहीं। क्योंकि यदि ये विचार भी आएगा तो इसमें भी स्वार्थ है, लेकिन मैया में तो वात्सल्य में स्वार्थ ही नहीं, एक ही स्वार्थ है, बस कृष्ण की सेवा, जिसमें कृष्ण को सुख मिले, बस यही बात। इसलिए मैया तो तुरंत दौड़ी उस दूध की रक्षा करने के लिए। मैया के मन में ये विचार कि मेरा दुख तो कृष्ण फिर कभी पी लेगा, लेकिन ये जो दूध है इस दूध से मेरे को बहुत सारे संदेश इत्यादि मिठाइयाँ बनवानी हैं जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और विशेष गैया का दूध है, कोई साधारण गैया का दूध नहीं। इसलिए मैया गई उस दूध की रक्षा करने के लिए। जैसे मैया दौड़ी, मैया के केशों में जो सुंदर सुंदर फूल गुथे हुए थे वह फूल भी गिर गिर कर मैया के चरणों में गिर रहे हैं, क्योंकि फूलों के अंदर भी भावना है। वह पुष्प भी ये विचार कर रहे हैं कि धन्य है यशोदा मैया आपका प्रेम, जो आज आपने भगवान को भी रुष्ट करके एक दूध की रक्षा के लिए आप जा रही हो। कृष्ण सेवा में इतना मन निवेश है कि भगवान को भी रुष्ट करना है, किसके लिए? कृष्ण सेवा के लिए। बड़ा गहन विचार है, समझ सकते हैं तो समझिए। कृष्ण को भी रुष्ट कर दिया, किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। इतना ऊंचा विचार है मैया का। तो कन्हैया तो रुष्ट होता है तो हो, लेकिन जो तुम्हारे लिए जो अच्छा है बस मेरे को तो वही करना है। ये हर माताओं का भाव होता है। मैया क्यों भागी दूध की रक्षा के लिए, क्या विचार? एक स्वभाव जो हर भक्त के हृदय में एक रत्न के रूप में सब समय हृदय में रहता है, वो स्वभाव क्या? पर दुखे दुखी। दूसरों के दुख को एक भक्त सहन नहीं कर सकता, कभी सहन नहीं होता, ये भक्त का एक स्वभाव। वो जगत के दुख को देखकर बड़ा दुखी होता है, इसलिए भगवान से जो वरदान मांगे जाते हैं अनेक भक्तों के द्वारा, उसमें संसार के सुख का ही उसमें प्रयास होता है, अपने सुख का प्रयास नहीं होता। जैसे कल के उदाहरण में मैंने बताया, वो एक शिष्य जो कुरेश जिनकी नेत्रों को निकाला जा रहा है, वो भगवान से वर में क्या मांग रहे हैं कि जिन सिपाहियों ने मेरे नेत्रों को निकाला प्रभु आप उनको अपनी भक्ति प्रदान करना, उनको अपराध मत लेना। क्यों? वो जो स्वभाव है ना पर दुखी, पर दुखे दुखी, वो स्वभाव उनको सब समय विचलित बनाए रखता है। और वो स्वभाव आता कैसे भक्त के हृदय में? बोलते ये जितने भक्त होते हैं, ये जो जितने गुरुजन होते हैं, ये साक्षात भगवान की करुणा शक्ति के अवतार हैं,
करुणा शक्ति जो सदैव भगवान को भी विचलित बनाए रखती है, वह करुणा शक्ति एक रूप धारण करके गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। और उनको कितने प्रकार का कष्ट सहन कर पड़े उनको इसकी चिंता नहीं, उनका एक ही तात्पर्य होता है जगत के लोगों का उद्धार हो, इनके दुख को मैं दूर करूं। तो इनका दुख कंबल बांटने से, चाय बांटने से, पैसा बांटने से दूर नहीं होगा, भोजन कराने से। ये तो एक क्षणिक दुख को हमने दूर किया, बड़ी तेज भूख लगी है, किसी को भोजन करा दिया, रात तक उसकी भूख समाप्त हो गई, हमने उसकी सहायता की, लेकिन फिर भूख लगेगी तो क्या करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं, भक्त का स्वभाव तो ऐसा कि ऐसी एक व्यवस्था कर देता है भक्त जहां पर सारे प्रकार के दुखों को ही दूर हो जाता है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला पुरुष भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, एक बार इन्होंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दे दी कि मैं सारा जीवन सबको अपने आश्रम में, अपने मठ में रखने के लिए तैयार हूं, कोई भी यदि रहना चाहे उसको मैं भोजन भी दूंगा, वस्त्र भी दूंगा, सारा जीवन दवाई भी दूंगा यदि रोग हो गया तो। इसलिए सबको निमंत्रण है, ये चारों तरफ सूचना फैल पहुंच गई, लेकिन आया कौन? एक भी व्यक्ति नहीं आया। क्यों? स्वल्पतुम वितर राजन विश्वास ने वजायते महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्म वैष्णवे। महाप्रसाद में, भगवान के नाम में और भगवान में जिसकी बड़ी कम सुकृति है उसको विश्वास नहीं होता, उसके लिए बहुत बहुत सुकृति की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर वो श्रद्धा का बीज एक साधक के हृदय में, एक व्यक्ति के हृदय में जागृत होता है। लेकिन स्वभाव क्या? पर दुखे दुखी। नारद जी में वही स्वभाव, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सब समय आपकी सेवा करता हूं, नाम करता हूं, क्या हमको कोई वरदान नहीं दोगे? भगवान तो एकदम उत्साहित हो गए, अरे कोई तो वर मांगने आया, नहीं तो सब तो मंदिर मांगे घंटी बजाकर एक ही बात बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिले तन का, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, सब एक ही बात मांगने आते हैं। कल सुनाया था ना, सब अपना काम बनाने आते हैं, कोई मुझको देखने नहीं आता कि चलो आज जाकर प्रभु को देखाऊं, भगवान को देखाऊं, बड़ा सुंदर रूप है, देखता हूं आज कौन से रंग के वस्त्र धारण किए, ये भावना से कोई नहीं जाएगा। किस भावना से जाते हैं? सिर्फ अपनी बात पूरी कराने के लिए। इसलिए प्रभु भी प्रतीक्षा करते हैं कोई एक प्रेमी भक्त तो आ जाए जो मुझको देखने की इच्छा करता हो, ये भावना से। इसलिए नारद जी ने भगवान से कहा, मैं आपसे दो वर मांगता हूं, एक वर क्या कि जो भी आपकी भक्ति करे